हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए कुछ एक नया वीडियो लेकर के। आज मैं बात करने वाला हूं जेक्वेरी की। जेक्वेरी क्या है, व्हाट इज जेक्वेरी। अब देखिए, जो बूटस्ट्रैप है, मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप, इसके अलावा बूटस्ट्रैप के कुछ जो है एडवांटेज हैं, जो कि वो एडवांटेज क्या होते हैं, ये सारा कुछ बूटस्ट्रैप से रिलेटेड ही है। मेरे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव ग्रिड, बूटस्ट्रैप में खुद का ग्रिड सिस्टम है जिसको यूज करके आप अपना समय, अपना टाइम बचा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव इमेजेस। अब देखिए, बूटस्ट्रैप का खुद का कोड होता है, इसका प्रॉपर एक कोड होता है जिसमें कि करंट स्क्रीन साइज जो होती है, समझ रहे हैं, करंट स्क्रीन साइज जो होती है उसके अकॉर्डिंग इमेजेस जो होती हैं वो रीसाइज हो जाती हैं। इज इट। उसके बाद जी नंबर थ्री, तीसरा पॉइंट, जो बूटस्ट्रैप है उसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, क्या हैं, इनका यूज क्या है। अब बूट स्ट्रैप्स में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नेविगेशन बार, जैसे कि ड्रॉप डाउन, प्रोग्रेस बार एक्सेट्रा। अब इस तरह की रेडीमेड फंक्शनैलिटी जो होती है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है। अगर आपको जानना है कि और कौन कौन से फीचर्स और कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बूटस्ट्रैप में आपको मिलेंगे, तो आपको एक और चीज बता दूं, उसके लिए पूरा जो है वीडियो देखना पड़ेगा। नंबर चार, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट क्या है। इन सभी के अलावा जो बूटस्ट्रैप है ना, वो डेवलपर्स को जेक्वेरी प्लगइन्स को यूज करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। अब जेक्वेरी की वजह से बूटस्ट्रैप जो है और भी ज्यादा बेटर और रिच फीचर प्रोवाइड करती है। पांचवा पॉइंट, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन जो है, कि अगर बूटस्ट्रैप में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो एक और चीज बताऊं कि आप बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको यूज कर सकते हैं, प्रॉपर उसको तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि उसका आप अच्छे से फायदा उठा पाए, जिसमें कि हर एक फीचर को बहुत ही ज्यादा बेटर तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह से बूटस्ट्रैप रीयूजेबल एंड रेडी कोड का एक बहुत ही बेटर कलेक्शन है जो कि HTML, CSS एंड JavaScript में लिखा गया है, और एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो फ्रेमवर्क है। अब इसमें क्या है कि जिसकी हेल्प से जो डेवलपर्स हैं और डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स और डिजाइनर्स इजीली से, आसानी से, टाइम खराब किए बिना, अपना समय खराब किए बिना एक अच्छी
फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। समझे? मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको आगे जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी, टेक केयर एंड लव यू।